विश्वस्त मंडल के सदस्य राजेश जायसवाल ने सोमवार को पत्रकार परिषद ली, जिस दौरान उन्होंने साई मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए मांग की कि 5 वर्षों में साई मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही बताया कि 21 अक्टूबर को उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। नागपुर शहर के वर्धा रोड स्थित साई मंदिर साई भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। हालांकि बीते कुछ समय से साई मंदिर ट्रस्ट की ओर से भ्रष्टाचार किए जाने की बातें सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच सोमवार को साई विश्वस्त मंडल के सदस्य राजीव जायसवाल की ओर से पत्र परिषद ली गई, जिस दरमियान उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में साई मंदिर ट्रस्ट की ओर से भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कोल्हे पर आरोप लगाते हुए मांग की कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो आदेश दिए हैं, न सिर्फ साई मंदिर बल्कि उसकी बजाय दूसरे भी, उन सभी पर कार्रवाई की जाए। मागील 5 वर्षांमध्ये जे विश्वास मंडळ कार्यरत होतं, त्या विश्वास मंडळाने त्या नासामध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि त्याच्या तक्रारी मी धर्मदाय सह आयुक्त पासून ते माननीय मुख्यमंत्री अँटी करप्शन या विभागाकडे केलेले आहेत, त्याची चौकशी व्हावी। मॅडम कोल्हे 5 वर्षापासून या नासामध्ये कार्यरत आहेत, न्यास विभागामध्ये त्यांनी जे ही ऑर्डर केलेले आहेत, म्हणजे साई मंदिराबाबतच नाही, दुसऱ्याही याच्यामध्ये जे ऑर्डर केलेले आहेत त्या प्रकरणाचे सुद्धा ऑडिट व्हावे अशी मी मागणी केलेली आहे। आणि साई मंदिराच्या बाबतीत त्यांनी ज्या करप्शन करते जे तिथे विश्वास मंडळ आहेत त्यांना साथ देत आहेत, त्याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी मी माननीय मुख्यमंत्री सरकार प्रशासन सर्वांकडे केलेली आहे। उन्होंने इस अवसर पर आगे कहा कि धर्मदाय सह आयुक्त ने जिन सदस्यों का पंजीकरण रद्द किया है उनकी और साई भक्तों की ओर से इस मुद्दे के विरोध में RBI चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालकर आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।